आपण अभ्यासात आहोत चिल्ड्रन ऑफ हेवन. मागच्या व्हिडिओत आपण चिल्ड्रन ऑफ हेवन या पाठाची प्रस्तावना बघितली. चिल्ड्रन ऑफ हेवन याचा अर्थ सुद्धा आपण जाणून घेतला. चिल्ड्रन ऑफ हेवन या पाठाची जी लेखिका आहे रेणू गावस्कर, आपण त्यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊन घ्या. रेणू गावस्कर यांचा जन्म 1953 मध्ये झालेला आहे. प्रसिद्ध लेखिका आणि समाजसेविका, देखील समाजसेविका और प्रसिद्ध मीन्स बहुत बहुत फेमस लेखिका आहे. अम्मी युवा, देखील उनके द्वारा लिखे गए कुछ ललित निबंध संग्रह इस तरीके से अम्मी युवा या नासांचे अध्यक्ष, तसेच या मुलांचे भवितव्य घडवणारे एकलव्य नासांच्याही त्या प्रमुख आहेत. उनके द्वारा लिखे गए कुछ ललित संग्रह इस तरीके से अफलातून गोष्टी हरवले ते गवसले, अफलातून गोष्टी हरवले ते गवसले, आमच्या काय गुन्हा मालक नको पालक व्हा, गोष्टी जन्मानंतरची. देखिए कितनी खूबसूरत सी बात, यहाँ पर एक मैसेज जा रहा है रेणू गावस्कर के जरिए माँ बाप को, पेरेंट्स को, कि मालक नको पालक व्हा. आपने वालिदैन बनना है, मालक नहीं बनना है, बच्चों का बॉस नहीं बनना है. निशब्द जून हे त्यांचे ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध आहे. इस तरीके से उनके कुछ ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध हुए है रेणुका गावस्कर जी के. उनके बारे में इस तरीके से परिचय यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाज सेविका और बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध लेखिका है. देखिए उनका जो चिल्ड्रन ऑफ हेवन ये जो सबक है, ही एक चित्रपट कथा है आलिया आणि जहिरा या दोन भावडांची. आपल्याला माहिती आहे की चिल्ड्रन ऑफ हेवन ही एक चित्रपट कथा आहे आलिया आणि जहिरा या दोन भावडांची. इसका उद्देश क्या है, इसका मकसद क्या है, किसी भी चीज का एक मकसद होता है. बगैर मकसद के कोई चीज लॉन्च नहीं होती, कोई चीज बताई नहीं जाती. तो इस सबक का भी क्या मकसद है वो आपको दो तीन लाइन में, दो संक्षेप में बताने की कोशिश लेखिका के जरिए करूंगा. प्रस्तुत पाठात, देखिए इस सबक में प्रस्तुत पाठात लहानग्या आलीला जहिराचा बूट मिळून देण्याची अलीची धडपड दिसून येते. देखिए इस सबक में आपको अली की जद्दोजहद नजर आएंगे कि जिस तरीके से वो जहिरा के लिए बूट हासिल करने के लिए, जूते हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है, तसेच त्याला त्यात आलेले अपयश मनाला चटका लावून जाते, जिस तरीके से उसको नाकामयाबी मिलती है. इस सबक में हम आगे देखेंगे किस तरीके से वो जूतों के लिए जद्दोजहद करता है, वो जूतों के लिए बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है, लेकिन किस तरीके से उसको नाकामयाबी भी हासिल होती है उसका जिक्र इस सबक में हुआ है. गरीब कुटुंबातील आली आणि जहिरा, देखिए बहुत ही गरीब फैमिली से दोनों बच्चे संबंध रखते हैं. इनकी फैमिली जो है, इनके माँ बाप जो है बहुत बहुत गरीब है. या भावंडांच्या निरागस प्रेमाचे चित्रण या पाठात केलेले आहे. देखिए इनकी बहुत खूबसूरत सी मोहब्बत का जिक्र रेणुका गावस्कर द्वारा इस सबक में किया गया. हमको तो पता है कि चिल्ड्रन ऑफ हेवन एक चित्रपट कथा है आलिया आणि जहिरा या दोन भावंडांची, और इस चित्रपट के जरिए से, इस फिल्म के जरिए से लेखिका रेणुका गावस्कर ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि इन दोनों भाई बहनों का, मतलब सबक का उद्देश्य ये है कि एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते इतनी गरीबी होने के बावजूद. कहानी हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि लेखिका ने जो उद्देश्य रखा है वो किस तरीके से और इसको उन्होंने किस तरीके से चित्रण किया है. तो सबसे एक इम्पोर्टेंट बात आपने यही से बात याद रखनी कि इस पूरे सबक में आपको दो पात्र नजर आएंगे, अली और जहिरा. इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना और इन्हीं को हमने बस याद रखना है.